जंगल की रखवाली करेंगे तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हम ही लोग होगा, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो बहुत से पशु पक्षी गांव के लोगों को बहुत सारा सहयोग भी होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? फ़िलहाल मैं हूं जंगल पे। कारण यह है कि आज हम लोग का जंगल रखवाली के लिए ड्यूटी लगा हुआ है और हम लोग आ चुके हैं और जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं। इसलिए पहरेदारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो कच्चा लकड़ी है जो काट के ले जाते हैं आग जलाने के लिए, तो उसको रोकने के लिए फ़िलहाल हम आए हुए हैं। और मेरे साथ हैं बहुत सारे दोस्त साथी। तो हम लोग का काम है आज दिन भर पहरेदारी करने के लिए, हम लोग का आज ड्यूटी लगा है। फिलहाल हम लोग जंगल में गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई जंगल पे एंट्री तो नहीं कर रहा है और जंगल को नुकसान कर रहा है, तो इसलिए गश्त में निकले हुए हैं। फिलहाल हमने एक आदमी को जो कच्चा लकड़ी ले जा रहा था उसे पकड़ लिया, लेकिन उनका रिएक्शन ना बहुत ही बेकार होता है कि इस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि जलाने के लिए ले जाया जाता है, इस तरह से बहुत ही बेकार रिएक्शन होता है। आखिरकार उसको लकड़ी को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि इस तरह से हर कोई ले जाता रहेगा तो जंगल बर्बाद होगा। तो इसलिए हम लोग का काम ही है आज कि इस तरह से कोई लकड़ी ना ले जाए, क्योंकि हर गांव में अपना एक एरिया होता है जंगल का जो दूसरे एरिया से ले जाया जाता है, तो उसको रोकना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है दोस्तों, जंगल का। इधर पक्षियों की चहचहाहट और यहाँ की हरियाली, फिलहाल बहुत ही गर्मी है और प्यास भी बहुत ही लग रहा है, तो इसलिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो भाई हालत ख़राब हो गई जंगल में घूमते घूमते, आज का ऐसा दिन निकल गया पता भी नहीं चला, लेकिन बहुत ही अच्छा भी लगा क्योंकि यहाँ इधर उधर के अलग अलग पेड़ देखते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारा, ये भी एक आँखों को एक सुकून सा देता है। और इस बात की खुशी है कि दोस्तों कि हम लोगों ने आज रखवाली की,
क्योंकि अगर हम लोग जंगल की रखवाली करेंगे तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हम ही लोग होगा, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो बहुत से पशु पक्षी गांव के लोगों को बहुत सारा सहयोग भी होता है। यह जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है हमारे दिनचर्या में आने वाले लोगों में, जैसे फल हो गए, ये पूरे साल के पेड़ हैं जिससे उससे फल भी मिल जाते हैं, जिसका उपयोग साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ, जड़ी बूटी हो गया, ये सब हम लोग के लिए फायदे हैं। अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए ज़रूरी भी है कि हम इनकी रक्षा करें, बदले में ये हमें भी बहुत कुछ देंगे। तो आज का तो ड्यूटी हम लोग का ख़त्म हो रहा है, कल के दिन में दूसरे लोग आएंगे। इसी तरह कंटिन्यू ये जंगल का सेपरेट रखने की प्रक्रिया है जो चलते रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो लेके आते रहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।